बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। इसमें भी ये भी पार्शियल फ्रैक्शन की तीसरी किस्म है, जिसमें एक्स स्क्वायर आया हुआ है और जिधर एक्स स्क्वायर आ रही है उधर हम ऊपर दो कांस्टेंट लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट या लिखना है तो फर्ज की आप लिख लें एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये एक्स की पावर 1 है तो इसके ऊपर ए कांस्टेंट लिखें, ए ओवर लिखेंगे एक्स प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये फार्मूला भी नहीं लगता है इसके माइनस बी स्क्वायर वाला, तो फिर इसके ऊपर दो कांस्टेंट लिखेंगे। दो कौन से होंगे, ए के बाद कौन सा आएगा, एक बी और सी, और पहले के साथ आपने एक्स लगाना है, बी एक्स प्लस सी और आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अगले स्टेप में हमने क्या करना होता है कि इसी के एलसीएम या इजाफे एकल से हमने मल्टीप्लाई करना होता है ताकि बटे के नीचे वाली रकम ख़त्म हो जाए। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किसके साथ, ये एलसीएम या इजाफे एकल होता है, इसी से आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ ये वाली रकम आ गई 9x माइनस 7 और x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए ओवर आ जाएगा एक्स प्लस 3 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ आ गया बी एक्स प्लस सी और आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। यहाँ पे एक्स प्लस सी से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाली कैंसिल होगी, यहाँ पे रह गया 9x माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाली 3 से कैंसिल होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली इससे कैंसिल होगी, यहाँ पे मास पास रह गया ए और साथ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया प्लस यहाँ पे एक ये वाली रह गई है और ये दूसरी ये वाली। तो पहले बी एक्स प्लस सी लिख लें, आसानी से हल हो जाएगा और साथ वाली रकम है एक्स प्लस 3। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई है। अब हम तीसरी क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें से हमने कोफिशेंट या दिशा बराबर रख के वैल्यू निकालनी होती है। एक वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, एक्स को 0 के बराबर पुट करके एक वैल्यू निकलेगी और हमने तीन वैल्यू निकालनी है, ए की, बी की और सी की। एक वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, जो दूसरी वैल्यू वो हमने कोफिशेंट या दिशा बराबर रख के निकालनी है। तो इसके लिए हम एक और स्टेप करते हैं, 9x माइनस 7 इज इक्वल टू, ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, ए को एक्स स्क्वायर से देंगे तो यह आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए को 1 से देंगे तो यह आ जाएगा ए। इसी तरह बी एक्स है, इसको पहले x से मल्टीप्लाई करना है फिर आपने 3 के साथ बी एक्स को ऐसे करेंगे तो आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को 3 से यह आ जाएगा 3bx आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने करना है सी के साथ, तो सी के साथ जब करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस है दोनों के साथ प्लस सी एक्स आ जाएगा और आगे प्लस 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 बन जाएगा और सी को 3 से देंगे ये आ जाएगा 3c। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 बन जाती है। अब हमने वैल्यू पुट करनी है एक्स की, ये वाली जो रकम है इसको 0 बराबर रख के पुट, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें तो ये 3 उधर जाके माइनस बन जाता है, तो हम एक स्टेप में हम लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। किस में पुट करना है, क्वेश्चन 2 में ही हमने पुट करना होता है इक्वेशन 2। अगर आप उर्दू में लिखना है तो आप लिखेंगे मुसावत 2 में एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 दर्ज करने से। तो हमारी जो एक्स की वैल्यू ये वाली निकली है ये माइनस 3, ये वाली हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जिधर जिधर एक्स आना है उधर हमें एक्स की जगह पे माइनस 3 लगाते जाना है। इसमें आ गया 9 एक्स एस आ तो हम ब्रैकेट लगा के लगाएंगे माइनस 3 क्योंकि 9x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको भी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना है। माइनस 7 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे बी और एक्स की जगह पे हम लिखेंगे माइनस 3 प्लस सी आ गया और एक्स की जगह पे माइनस 3 प्लस 3 आ गया। ये माइनस 9 है 3 है मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 9 को 3 से 27 माइनस 7 और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस हो जाता है। माइनस 3 का स्क्वायर मतलब माइनस 3 को माइनस 3 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 9 आ जाएगा प्लस आ जाएगा 1 आ जाएगा
प्लस यहाँ पे माइनस थ्री बी बन जाएगा और माइनस थ्री बी प्लस आ जाएगा सी और साथ थ्री माइनस थ्री ज़ीरो बन जाएगा, ये वाली रकम हमारी ज़ीरो बन जाती है। और ये प्लस करेंगे, दोनों माइनस किए हैं तो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस थर्टी फोर आ जाएगा और ये आ जाएगा नाइन और वन टेन आ गया, ये वाली हमारी रकम ज़ीरो बन जाती है। तो हमारे पास ये आ गया माइनस थर्टी फोर इज इक्वल टू टेन ए। हम इसको डिवाइड करते हैं माइनस थर्टी फोर और टेन इज इक्वल टू ए, तो ये ए की वैल्यू हमारी काट के क्या बन जाएगी, माइनस टू फाइव टाइम टू सेवनटीन टाइम, माइनस सेवनटीन ओवर फाइव इज इक्वल टू ए, ये हमारी ए की वैल्यू निकल आई है। अब हम निकालते हैं दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू हमने निकालनी है बी और सी की वैल्यू निकालनी है, वो हम किधर से निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री में से पुट करना है हमने कोफिशेंट बराबर रख के, पहले किसके करने हैं, जो एक्स की पावर जो बड़ी होगी उसके कोफिशेंट, तो सबसे बड़ी एक्स की पावर एक्स स्क्वायर है, टू पावर है उसके कोफिशेंट हम बराबर करेंगे, तो हम लिखेंगे क्वेटिंग क्वेटिंग को एफिशेंट आर एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन थ्री, कोफिशेंट या दिशा, कोफिशेंट या दिशा एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशेंट, या दिशा जो इसके साथ रकम है वो इसका कोफिशेंट होता है, तो इक्वल किस साइड पे देखें, एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशेंट इस साइड पे ज़ीरो आ जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर की रकम है ए है और एक्स स्क्वायर वाली एक ये है, इन दोनों के कोफिशेंट हमने लिखने हैं, तो इधर ए आ जाएगा और इसके साथ प्लस बी, एक्स स्क्वायर का ए प्लस बी बन गया, ए प्लस बी, यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू निकली हुई है, ए की वैल्यू हमारे पास है माइनस सेवनटीन ओवर फाइव, तो ये हमने इसकी जगह पे पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा ए की जगह माइनस सेवनटीन ओवर फाइव प्लस बी आ जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगी सेवनटीन ओवर फाइव इज इक्वल टू बी, ये हमारे बी की वैल्यू निकली। अब हमने निकालनी है सी की वैल्यू, तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर के बाद हमने कौन से करने होते हैं, जो पावर छोटी उससे होती है, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की पावर वन वाली है, तो एक्स वाले एक्स वाले एक्स के कोफिशेंट हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशेंट्स ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन थ्री। अब एक्स के इधर देखें इक्वल किस साइड पे, एक्स के साथ कोफिशेंट क्या है नाइन है, इस साइड पे हम नाइन लिख लेंगे इज इक्वल टू, अब इधर एक्स नहीं है ये एक्स आ रहा है, इधर एक्स के साथ आ गया थ्री बी और ये एक्स आ गया है, इसके साथ प्लस सी है, तो ये एक्स के कोफिशेंट क्या बनेंगे, थ्री बी प्लस सी, थ्री बी प्लस सी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बी की वैल्यू हमारे पास है, हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, थ्री है बी की जगह पर हम सेवनटीन ओवर फाइव लिख लेंगे प्लस सी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दें प्लस सी, ये इधर आके माइनस हो जाएगा नाइन माइनस फिफ्टी वन ओवर फाइव इज इक्वल टू सी बन जाएगा, प्लस है माइनस, इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम आ जाएगा आपका फाइव आ जाएगा, इसके बटे में कोई रकम नहीं है तो वैसे मल्टीप्लाई कर दे फाइव को नाइन से, ये फोर्टी फाइव आ जाएगा और ये कट जाती है आपस में, तो ये फिफ्टी वन आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाता है, सिक्स आ जाता है, सिक्स ओवर फाइव आ जाता है, ये हमारी कौन सी वैल्यू निकल आई है, सी की वैल्यू निकल आई है। ये माइनस वाला रकम बढ़िया, तो ये माइनस सात आ जाएगा, ये हमारी तीनों वैल्यू निकल आई हैं। अब हमने ये पुट कर देनी है, किस में पुट करनी है, क्वेश्चन नंबर वन में पुट करनी है, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन वन, क्वेश्चन वन है वो हमारे पास है जी नाइन एक्स माइनस सेवन ओवर आ जाएगा एक्स प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस वन है इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास आई है जी माइनस सेवनटीन ओवर फाइव, सेवनटी वन ओवर फाइव और नीचे उसके रकम है एक्स प्लस थ्री है, ये ए की वैल्यू लगाई नीचे ये वाली रकम लिख ली, प्लस बी है तो बी एक्स है, बी की वैल्यू हमारे पास है सेवनटीन ओवर फाइव, साथ एक्स है प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस सिक्स ओवर फाइव, माइनस सिक्स ओवर फाइव ओवर हमारे पास है इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन आया, तो यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो फाइव है ये नीचे वाली रकम के साथ आ जाएगा माइनस सेवनटीन ओवर फाइव एक्स प्लस थ्री आ जाएगा,
यहाँ पे प्लस यहाँ पे फाइव दोनों के बटे में, तो वन ओवर फाइव आप कॉमन ले लें, वन ओवर फाइव कॉमन आ गया, यहाँ पे सिर्फ सेवनटीन एक्स रह जाएगा, माइनस यहाँ पे फाइव कॉमन आ गया और सिक्स रह जाएगा, और नीचे रकम है एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे ये रकम बन गई माइनस सेवनटीन ओवर फाइव एक्स प्लस थ्री, और प्लस ये जो फाइव है ये नीचे वाली रकम के साथ आ जाएगा, ऊपर ये वाली आ जाएगी सेवनटीन एक्स माइनस सिक्स ओवर फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर मुकम्मल होता है। इसमें से किसी जगह किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।